नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 गणित विषय की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 19 की। 19 में दक्षता रहेगी पूर्णांक संख्याओं की समझ बना पाना। यहाँ पे एक संदर्भ दिया गया है, सलांग से संबंधित है। राजू कुएं में अपने बने घर से सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा था, इससे संबंधित है। तो वो सलांग किस तरह से लगाता है, किस पायदान पर पहुँचता है, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के उपरांत नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको जवाब देने होंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पायदान पर खड़ा है? तो इस पायदान पे आप देख रहे होंगे, तीसरे पायदान पे खड़ा है। दो सलांग पे राजू कौन से पायदान पे पहुंचेगा? यदि दो सलांग लगाएगा तो वो पांचवें पायदान पे पहुंच जाएगा। पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए राजू को कितनी सलांगें लगानी पड़ेगी? वो है 2 लगानी पड़ेगी। 0 से 1 पे जाने के लिए एक, फिर 1 से 2 पे जाने के लिए दूसरी सलांग होगी। उसी तरह -5 से 0 तक पहुँचने के लिए राजू को कितनी सलांगें लगानी होगी? 5 सलांगें लगानी होगी। -1 से 1 तक पहुँचने के लिए कितनी सलांगें लगानी पड़ेगी? 2 सलांगें रहेगी। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 में 0 डिग्री जमाव बिंदु से पानी के जमाव बिंदु से 0 डिग्री से दर्शाया जाता है, तो माउंट आबू पर तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? तो हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह कश्मीर में यदि -10 डिग्री सेल्सियस है तो आप कम होगा 10 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह आप यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। 3 नंबर सवाल में कौन सा तापमान अधिक है उस पर गोल घेरा करना है, तो यहाँ पर 2 तापमान दिया, जैसे 20 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 में देख रहे हैं, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो अधिक है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि माइनस में संख्या जितनी बड़ी होगी वो सबसे छोटी मानी जाती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा। इसी तरह -3 डिग्री और -5 डिग्री में से -3 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा। साथ ही -5 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ अधिक होगा। माइनस वाला कोई भी संख्या भले 50 तक हो, लेकिन वो हमेशा छोटी होगी। इस तरह से तापमान के ऊपर गोल घेरा करना है। बात करते हैं अगले कार्यपत्रक की। कार्यपत्रक 20 पूर्णांक संख्याओं के क्रम की समझ बनाने से संबंधित है। यहाँ पे संख्याएं दी गई है 5, -4, -2, 0। इसको आपको संख्या रेखा पे दर्शाना है। यहाँ 0 होगा बाएं तरफ माइनस में, और दाएं तरफ जो आप देख रहे हैं, इधर जाओगे तो प्लस की संख्या होगी, इधर माइनस की संख्याएं होती है। जैसे पहला प्लस का 5 है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 पे जाके आपको 5 दर्शाना है। इसी तरह 6 को दर्शाना, आगे 6 दिए गए हैं और -7 है, तो आपको अंदर की तरफ आना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 यहाँ पे होगा -7। इसी तरह -2, तो इस तरह से आपको प्रत्येक संख्या को दर्शाना होगा संख्या रेखा पे दूसरे और तीसरे प्रश्न में। फिर दूसरे प्रश्न में आपको सत्य और असत्य को सही करना होगा। संख्या रेखा पर -8 है और -10 के दाईं ओर स्थित है, बिल्कुल सही बात रहेगी, ये सत्य होगा कथन। संख्या रेखा पर -50, -51 के बाईं ओर स्थित है, नहीं बाईं ओर नहीं होकर के दाईं ओर होता है, इसलिए असत्य होगा। ऋणात्मक पूर्णांक -1 सबसे छोटा है, असत्य है। इसी तरह -5 और -25 से बड़ा पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पे असत्य होगा, और ऋणात्मक पूर्णांक -1 नहीं होता है, सबसे छोटा जो माइनस में सबसे अधिकतम संख्या होती है वो तो अनंत है इसका कोई, इसलिए ये भी असत्य, दोनों कथन असत्य होंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 में -20 से बड़े 5 पूर्णांक आपको लिखने होंगे। -20 से 5 बड़े पूर्णांक, इसका मतलब बड़े मतलब छोटी संख्या माइनस की, वो सबसे बड़े माने जाएंगे। तो 19, 18, -17, -16, -15 इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर -6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखना, इसका मतलब बड़ी संख्या होगी, -7, -8, -9, -10, -11। फिर पांचवें प्रश्न में आपको प्रवर्ती संख्या लिखनी, प्रवर्ती का मतलब बाद में आने वाली, और दूसरा छठा प्रश्न में पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाली, जैसे 10 के बाद 11, 82 के बाद 83, -51 के बाद प्रवर्ती बाद में यानी इससे बड़ी संख्या होती है 50, इसलिए -50 होगा। -39 से प्रवर्ती होगी -38, यानी ये घटते क्रम में चलेगी। माइनस की संख्या जो कम होती है वो सबसे बड़ी होती है। इसी तरह पूर्ववर्ती में -37 का -38 हो जाएगा, 49 का 48 हो जाएगा, 311 का 312 हो जाएगा माइनस में, 437 के बाद 437 आएगी। पूर्ववर्ती यानी पहले, और पर्ववर्ती का मतलब बाद में या बड़ी संख्या। इस तरह से इस कार्यपत्रक पे कार्य करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 21 की। 21 में 3D आकृतियाँ दी गई है, सही इसको संरचनात्मक जब खोलते हैं त्रिविमीय, तो उसकी संरचना कैसी होती है, उसको राइट सिग्नल लगाना होगा। जैसे शंकु की बात करते हैं, शंकु इसके द्वारा निर्मित किया जा सकता है, इन दोनों के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसी तरह घन है, घन इसके द्वारा निर्मित होगा, बाकी दोनों के द्वारा नहीं होगा, तो पहले के ऊपर राइट का सिग्नल लगाएंगे। इसी तरह दूसरे प्रश्न में आपके सामने कुछ आकृतियाँ दी है, जैसे ये बेलन है, बेलन का निर्माण इससे होगा। इसी तरह ये शंकु दिए गए हैं। इसी तरह अगली आकृति में आप मिलान करेंगे इसका इससे, इसी तरह सभी आकृतियों का सही संरचनात्मक आप पेज से मिलान करेंगे। इसी तरह आकृतियों को किसके द्वारा बनाया जा सकता है। तीसरे प्रश्न में आपको कौन कौन से 3 आपके सामने संरचनाएँ दी हैं जिससे घन का निर्माण किया जा सकता है, तो इन दोनों से घन का निर्माण हो सकता है, इससे नहीं होगा, घ से, तो ये राइट का सिग्नल लगाएंगे। फिर चलते हैं अगले कार्यपत्र की ओर। 22 में कुछ 3D संरचनाएँ दी गई है जिसको आपको सही आकृति के नाम से मिलान करना है। जैसे घनाभ की संरचना होगी, ये शंकु को इससे मिलाएंगे, बेलन को इससे, और घन से इसको मिलाएंगे।
इसी तरह यहाँ पे आपको सारणी को देख करके उनकी फलकों की संख्या, शीर्षों की संख्या और किनारों की संख्या लिखनी होगी। यहाँ पे आकृति दिए हैं घनाभ की, घनाभ में 6 फलक होते हैं, 8 किनारे और 12 किनारे और 8 कोणे होते हैं। इसी तरह बेलन में 2 फलक होंगे, कोणों की संख्या 0 होती है, किनारों की संख्या 2 होगी। शंकु में 1 फलक होगा, 1 कोना होगा और 1 किनारा होगा। इसी तरह घन में 6, 8, 12 होंगे। इसी तरह से आप इस सारणी को पूरी करना है। फिर आपको एक ज्यामिति बॉक्स है तो वो किसके 3D आकार की होगी, घनाभ की। इसी तरह गोल त्रिभुज है तो वो गोला के आकार का होगा। बात करते हैं 23 नंबर कार्यपत्र की, जिसमें कोणों को पहचानने और मापने की समझ बनाने से संबंधित है। यहाँ पे कुछ कोण दिए हैं और कोणों के प्रकार दिए, उसका मिलान करना है। जैसे ये कोण होगा न्यून कोण, जो 0 डिग्री से लगा के 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं और पूरी सरल रेखा पे बना हुआ पूरा कोण सरल कोण कहलाता है। यानी 180 डिग्री का कोण सरल कोण कहलाएगा, 180 से बड़ा होगा तो उसको अधिक कोण कहा जाता है। तो इस तरह से ये अधिक कोण होगा वो, यानी जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होगा, 180 डिग्री से बड़ा होने पर प्रवर्ती कोण कहलाएगा। इस तरह से आप इसको मिलान करेंगे। 2 नंबर प्रश्न में एक आकृति के अंदर कोण दिए हैं 1 से लगा के लगभग 13 तक। इन कोणों को आपको अलग अलग विभाजित करना है। जो कोण बन रहा है, जैसे 1 नंबर न्यून कोण बन रहा है, 3 नंबर न्यून कोण है, 2 नंबर अधिक कोण बन रहा है, 4 नंबर सरल कोण है। तो यहाँ पर आपको न्यून कोण के अंदर 1, 3, 9 लिखना है, समकोण 5, 6, 7, 8, 12, 13, अधिक कोण 2, 10, 11 और सरल कोण 4 नंबर एक ही बन रहा है। फिर तीसरे में आपको नीचे कोण दिए गए हैं, इनको नाप करके सांधे की सहायता से आपको माप लिखना है। तो ये 120 डिग्री का होगा और ये होगा 60 डिग्री। सांधे की सहायता से आप माप सकते हैं और इस पर कार्य कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 24 की। 24 में भी आपके सामने समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण दिए गए हैं। इन कोणों के नाम लिखने हैं। जैसे आकृति आप देख रहे हैं, आकृति नंबर 1 में न्यून कोण, न्यून कोण, समकोण, 3 तरह के कोण है तो नाम लिखें। इसी तरह आपको नाम लिखने सभी में, इसमें ये समकोण है, ये समकोण है, ये अधिक कोण बनेगा, ये न्यून कोण बनेगा। तो इस तरह से सभी आकृतियों में आपको इसी तरह से नाम लिखने होंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसके अंतर्गत 1, 2 और 3 न्यून कोण बन रहे हैं, 1 ये प्रतिवर्ती कोण है और ये अधिक कोण का निर्माण हो रहा है। इस तरह से आपको यहाँ पे बढ़ना होगा। फिर 2 नंबर प्रश्न में आपके सामने कुछ घड़ियों के कोणों को मापकर कोणों के नाम और माप डिग्री में लिखना होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का समकोण बन रहा है, इस सुइयों के द्वारा आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ सरल कोण का निर्माण हो रहा है 180 डिग्री। यहाँ पे पूरा, यहाँ से पूरा राउंड घूमने पर 270 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे वापस 90 डिग्री समकोण, यहाँ पे 180 डिग्री सरल कोण और यहाँ पे 0 डिग्री यानी न्यून कोण कह सकते हैं या शून्य कोण आप कह सकते हैं। इस तरह से इस कार्यपत्रक पे कार्य करेंगे। बात करते हैं 25 नंबर कार्यपत्रक की। 25 में सांधे की सहायता से आपको नाप करके कोणों के नाप लिखने हैं। जैसे ये 60 डिग्री का होगा, 2 नंबर 180 डिग्री का होगा, इसको सांधे की सहायता से आप नाप सकते हैं। 3 नंबर 130 डिग्री का, 4 55 डिग्री का, 5वां 90 डिग्री का और 6ठा 180 डिग्री का होगा। 2 नंबर में आपको कोणों का निर्माण करना है सांधे की सहायता से। ये आप 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, इस तरह से 65 डिग्री का बनाएंगे, 90 डिग्री का बनाएंगे, 70 डिग्री का, 155 डिग्री और 145 डिग्री का। इस तरह से आप कोणों का निर्माण करेंगे, माप करके सांधे की सहायता से बनाना होगा। कार्यपत्रक 25 पर कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।